तो आप भी मेरी तरह बिगनर यूट्यूबर हैं और एक अच्छे DSLR के बारे में सोच रहे हैं लेना, तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोग को कौन सा DSLR लेना काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। जैसे कैनन भी अभी मार्केट में है और सोनी भी है। तो अभी कुछ दिन पहले जो है सोनी का एक नया मॉडल लॉन्च हुआ है, सोनी अल्फा ZV-E10। तो ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अभी छाया है, जैसे कि अभी ब्लॉगर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा बताया जा रहा है। जो लोग ब्लॉगिंग काफ़ी ज़्यादा बाहर में घूम के करते हैं, जैसे कि स्ट्रीट ब्लॉगर और जैसे फूड ब्लॉगर, तो आप लोग जैसे कि बाहर में जाते हैं घूमने फिरने, उस तरह के वीडियो ज़्यादा शूट करते हैं, तो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा वरदान है। और जो लोग स्टेबल वीडियो भी शूट करते हैं, जैसे कि जो लोग यूट्यूबर हैं अपने सेटअप में वीडियो बनाते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और इसमें बहुत सारे जो है अलग अलग फीचर्स दिए गए हैं, जिसे आप एक क्लिक में जो है जो नॉर्मल DSLR में नहीं पा सकते, बस आपको एक क्लिक में इसमें सारे क्विक सेटिंग आपको देखने को मिलेंगे। और आपको जो है अलग अलग फीचर्स इसमें देखने को मिलेंगे, जैसे आप लोग एक क्लिक में स्लोमो कर सकते हैं और भी बहुत सारे इफेक्ट ला कर सकते हैं। और जैसे आप लोग बैकग्राउंड ब्लर के लिए अपना DSLR का कैमरा का लेंस चेंज करते हैं, सेटिंग बनाते हैं, पिक्चर लगाते हैं, आप लोग कैनन में जाके अलग अलग जो है सेटिंग करते हैं, तब जाके आप लोग को बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिलता है। लेकिन इस सोनी में एक खास फीचर इसमें अलग से दिया गया, जिसमें आपको एक क्लिक में जो है ब्लर इफेक्ट देखने को मिल जाता है, बुकी इफेक्ट देखने को मिल जाता है। जैसे आपके पीछे का ब्लर इफेक्ट जो है, पीछे का आजकल देखना पसंद करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्लरिंग पीछे का सीन रहता है और आपको जो है क्लियर दिखाया जाता है, तो इस तरह का इसमें इफेक्ट दिया गया। एक क्लिक में आप जो है ब्लर इफेक्ट पा सकते हैं यानी बुके मोड। तो और इसके बाद इसमें जो है एक स्किन स्मूथनेस वाला, जैसे कि आप लोग बहुत सारे ओप्पो वीवो के फ़ोन यूज़ किए हैं, जैसे स्किन स्मूथनेस वाला इफेक्ट ऑन कर देते हैं तो आपके चेहरे पर जो है स्किन एकदम स्मूथ देखने को मिलती है, जैसे आप रील्स वीडियो में देखते हैं, टिकटॉक वीडियो में देखते हैं। तो इस तरह के इसमें जो है नए नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, आप इसमें रील्स भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। रील्स या टिकटॉक वीडियो जो वर्टिकल में बनती है 9:60 वाली, तो बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे इफेक्ट किए गए हैं। तो इंस्टाग्राम वीडियो आप तो आप इसमें रील्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। मैंने भी बहुत सारे वीडियो चेक किया और उसके बाद मैंने भी डिसीजन लिया, ये कैमरा अभी तक का बेस्ट कैमरा है और जो है आपके रेंज में भी आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। जो लोग 50-60 हज़ार के रेंज में खोज रहे हैं, तो इसका जो है 60,000 के आसपास रखा गया है और आप लोग जाके देख सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले इंडिया में लॉन्च हुआ और अमेजोन पे भी आ चुका है, तो मैंने भी चेकआउट कर लिया। और इसमें स्लोमो इफेक्ट और बहुत सारे जो है अलग अलग फीचर, बुके मोड तो मैंने बता दिया, इन स्मूथनेस वाला इफेक्ट भी आपको एक क्लिक में मिल जाता है। और आप लोग अंधेरे में जब भी कहीं रास्ते से गुजरते हैं, आपके चेहरे पर जो है अंधेरा या कालापन आता है, तो इसमें आप लोग जो है इसको, तो इसकी कैमरा की जो AI है इतनी ज़्यादा फास्ट है कि आपके चेहरे को एकदम ब्राइट करके रखता है और अंधेरे में भी आपको क्लियर दिखाने की कोशिश करता है और आप लोग इमेज भी देखने को मिलती है। काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आ रहे हैं और ये जो सोनी का ZV-E10 काफ़ी ज़्यादा अभी मार्केट में जो है अभी अपना जगह बना रहा है। इससे पहले एक और मॉडल था ZV-E1 और उसका जो है ये सक्सेसर है, और इसके बाद जो है सोनी ने इसे जो है अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अपने जो है सेलर से भी पता करके कि अभी के समय में क्या जो है लोग ज़्यादा मांग रहे थे, इसके बाद जो दुकानदार लोग ने रिव्यू करके दिया, उसके बाद इन्हें वहाँ से रिव्यू उठा के बस उसी टाइप का कैमरा मार्केट में लाने की कोशिश की है। बस जो लोग ऐसे काम करते, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आता कि अपने कस्टमर और अपने जो है सेलर से फीडबैक लेके अच्छा से अच्छा जो है अपने कैमरा में इम्प्रूवमेंट किया है सोनी ने, तो ये मुझे पसंद आया। और काफ़ी ज़्यादा इस तरह से आने वाले समय में भी और भी जो है कैमरा कंपनी जो है ब्लॉगिंग के लिए स्टेबलाइजेशन इमेज जो होना चाहिए, जैसे कि वीडियो में सेक ना हो, अच्छे से जो है वीडियो शूट हो, ये सब काफ़ी ज़्यादा फीचर आपको देखने को मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये सब फीचर आप लोग को इन्हेंस करेंगे। और बड़े बड़े यूट्यूबर अभी जो है सोनी का कैमरा यूज़ करते हैं, जैसे टेक्निकल गुरुजी जो है, ट्रैकिंग ट्रैक, तो ये सब बहुत सारे जो है यूट्यूबर सोनी का कैमरा के यूज़ करके ही वीडियो बनाते हैं। कैनन भी ख़राब नहीं, कैनन भी अपनी जगह सही है, बस आप लोग को जो लोग नए यूट्यूबर है, बिगनर है, जो लोग को सेटिंग नहीं समझ में आता, बस आप क्विक सेटिंग चाहते हैं और जल्दी से जल्दी अपने वीडियो को बनाना चाहते हैं, बहुत लोग को टाइम नहीं रहता, तो इस वजह से आप लोग को टाइम बचत हो और आप लोग का जो है क्विक सेटिंग में एक काम हो जाए और आप लोग वीडियो अच्छे से बना के दे पाएँ, तो आप लिए ये जो है कैमरा बहुत बेस्ट है, आप लोग ले सकते हैं और आप लोग स्टेबल वीडियो बना सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, बहुत सारे जो है इसमें इफेक्ट अलग अलग दिए गए हैं। और आप लोग इसे एज ए वेब कैम के तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप लोग अपने फ़ोन या जो है PC से कनेक्ट करके USB मोड में जाके ऑन कर देंगे और उसके बाद आपके PC या फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा और लाइव स्ट्रीमिंग में अच्छे से कैमरा क्वालिटी का यूज़ कर पाएंगे। जब सोनी का क्वालिटी आता है तो अच्छे से क्वालिटी देखने को मिलेगी आपके जो व्यूअर जो आपको लाइव में देखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये आपको पसंद आने वाला है कैमरा। तो मैंने आपको इस वीडियो में आपको छोटा सा रिव्यू दे दिया और आने वाले समय में आप लोग को ये कैमरा ले लेना चाहिए। जो लोग बिगनर यूट्यूबर है, जो लोग अच्छा वीडियो बनाना चाहते हैं, अपनी वीडियो को क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं, यदि आप लोग का तो यदि आपको 50-60 के रेंज में यदि कैमरा लेना है तो ये आप लोग ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बिगनर यूट्यूबर के लिए हेल्प है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। देखते हैं अभी कब तक इसे ले पाता हूँ। और चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ये छोटी सी जानकारी थी आपको दे दिया, और तब तक के लिए नेक्स्ट किसी और वीडियो मिलते हैं। जय।
धन्यवाद बात की।